फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत कुछ। तो आज हमारे घर पे बन रही है खीर, मटर पनीर, पूरी। तो सबसे पहले मैंने दूध में चावल डाल के वो रख दिए हैं। जितनी देर अच्छी तरह से ये कड़ नहीं जाती है, उतनी देर तक ये खीर है प्रॉपर नहीं बन पाती है। इसको हमने प्रॉपर हिला के इस तरह से अच्छी तरह से बनाते रहना है। इस तरह से जितनी देर चावल एक जान नहीं हो जाते तब तक हमने इसको बॉईल करते रहना है, इसको रिझाते रहना है। अच्छी तरह से पकाते रहेंगे इसको इस तरह से। तो खीर अच्छे से पक चुकी है, चीनी डाल देनी है। ड्राई फ्रूट्स खूब सारे, जो भी आपकी चॉइस है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के बिना तो खीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसको अच्छी तरह से हमने मिला देना है। ये देखिए खीर परफेक्ट तरीके से हमारी बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है। खीर हो चुकी है हमारी रेडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। खीर है वो पक चुकी है, सिर्फ 10 मिनट मैंने दूध को इसमें चावल के साथ उबाला है। तो खीर परफेक्ट हमारी, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये खीर है हमारी वो पक चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे। परफेक्ट खीर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम, खीर हो गई है तैयार, पूरी के लिए आटा लगाते हैं। पूरी के लिए मैंने आटा ले लिया है। अब इसमें खूब सारी अजवाइन डालेंगे, क्योंकि अजवाइन वाली पूरी है वो हजम हो जाती है, थोड़ी भारी हो जाती है। तो हम जो पूरी बनाते हैं हमेशा अजवाइन डाल के ही बनाते हैं। अब पूरी के आटे को मैं लगा लूंगी। पूरी का आटा थोड़ा सख्त होता है, क्योंकि इससे पूरियां परफेक्ट बनती है। इसको सख्त ही हमने आटा लगाना है। इस तरह से अच्छी तरह से गूंथ लेना है। जब ये गूंथा जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे, लेकिन अभी इसको अच्छी तरह से मैश कर करके हमने पूरी परात में फैला के इसको गूंथना है। तो फ्रेंड्स, पूरी का आटा इस तरह से सख्त आटा हमारा लग चुका है। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि पूरी हमारी परफेक्ट बने। तो इस तरह से इसको हमने ढक देना है। तो फ्रेंड, जब तक हमारी पूरी का आटा नरम होता है तब तक हम रायता डाल लेते हैं। ये हमने गाढ़ी दही ले ली है, इसको मैश करेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें बूंदी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक काट के। अब फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक। और इसको हम करेंगे मिक्स। बहुत ही अच्छा गाढ़ा दही है जो हमारा होना चाहिए, तभी ये रायता अच्छा लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। अभी ये थोड़ी बूंदी है हमने बारीक वाली ले ली है, लेकिन जब दही इसको इसमें अब्जॉर्ब होगा तो बूंदी थोड़ी फूल जाएगी। तो इस तरह से ये रायता है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। रायता, खीर और पूरी का आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम पूरी निकालेंगे। आटे को लगाए को 10 मिनट हो चुके हैं। हम कढ़ाही में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, पूरियां तलनी शुरू करेंगे। तो रिफाइंड तेल में जो पूरी है बहुत ही अच्छी बनती है, सरसों के तेल में हम नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे।
तो फ्रेंड तेल अब गर्म हो चुका है, पूरी बनानी शुरू करते हैं। एक पेड़ा लेंगे हम, इसको हमने कढ़ाई में से थोड़ा तेल लेके ग्रीस कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी में इतनी मोटी है ये हमारी पूरी है वो होनी चाहिए। तो दूसरी पूरियां भी बेल लेते हैं, तेल गर्म है तो पूरी को डाल देंगे। पूरी वो अपने आप फूल रही है। इस तरह से पूरियां हमारी रेडी हो रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पूरियां हमारी रेडी हो चुकी है, अब कर लेते हैं हम थाली को तैयार। बोल लेते हैं तो फ्रेंड्स अब इसमें हमने पनीर डाल देना है। अच्छी तरह से हिलाएंगे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो गाढ़ा पनीर है वो बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट रेसिपी जिसकी वजह से ये क्रीमी बनेगा। एक कटोरी भर के हमने इसमें मलाई डालनी है, इसकी वजह से जो क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका, इसको मलाई को भी हमने मिक्स कर लेना है। अगर हम मलाई नहीं डालते हैं तो वो बात नहीं बन पाती है। तो जो हलवाई लोग हैं वो तो क्रीम डालते हैं, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो क्रीम नहीं होती है, तो हम मलाई डाल देते हैं। इस तरह से बहुत ही परफेक्ट है जो पनीर की, मटर पनीर की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही घंटों मसाला भूनने का कोई दिक्कत नहीं है। हमने थोड़ी देर मसाला भूनना है, पहले हमने कच्चा भूनना है उसके बाद पीस के थोड़ा सा भूनना है। बहुत ही जल्दी ये मटर पनीर की सब्जी है बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स थाली हो चुकी है बिल्कुल हमारी तैयार, मटर पनीर साथ में बूंदी का रायता। यम्मी यम्मी खीर ड्राई फ्रूट्स वाली। और साथ में गर्मा गर्म क्रिस्पी पूड़ी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का व्लॉग। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और बताइए कि ये सारा खाना आपने घर पे किस तरह से मेरे बताए तरीके के अनुसार बनाया। तो बहुत ही टेस्टी वाली थाली आपकी नाश्ते के लिए बनने वाली है। तो टिल देन टेक केयर।